ऐसे क्यों, कुछ तो लिखो पर ये। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। अगर वह जिंदा होती तो वह अपना 21वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही होती। आपको बता दें कि फलक नाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से तुनिशा की कुछ तस्वीरें साझा की है। जी दोस्तों, फलक नाज सीजान की बहन ने एक ऐसा नोट लिखा जिसे सुनकर हर कोई जो कि इमोशनल हो गया। फलक नाज ने लिखा, टुन्नू मेरा बच्चा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे विश करूंगी। तू जानती थी कि अप्पी ने प्लान किया था तेरे लिए सरप्राइज। मैं तुम्हें प्रिंसेस ड्रेस में देखना चाहती थी। मैं तुझे तैयार करती, केक बंटवाती, तेरा वो सरप्राइज्ड चेहरा देखना था मुझे। तू जानती है अच्छे से टुन्नू, तू मेरे लिए क्या मायने रखती है। दिल टूटा हुआ है मेरा बहुत, इतनी तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई जितनी तेरे जाने के बाद है। कभी कभी समझ नहीं आता है कि किसी के लिए दुआ करे, तेरी रूह की सुकून के लिए या हमारी अम्मा सीजान और मेरी। दोस्तों, पलक ने आगे लिखा, जिंदगी की मुश्किलें, इम्तिहान, बेचैन रातें, अनदेखे आंसू, तू सब देख रही है। मुझे पता है कि तू मेरे आसपास ही है, मैं तुझे महसूस कर सकती हूँ। हम तुम्हें हर दिन याद करते हैं टुन्नू, तुम हमारे दिलों में हमेशा रहोगी। उम्मीद है कि तेरी सुकून वाली तलाश खत्म हो गई। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, मेरी नन्नी सीजान। एक तरफ जहां तुनिशा की मां ने सीजान खान की बेटी की मौत का दोषी बताया है, वहीं सीजान के परिवार ने तुनिशा की मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि हाल ही में सीजान के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि इस मामले में किया हकीकत क्या है ये तो कोर्ट का फैसला आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर क्या कहना कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।